नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एज अ पेरेंट हम अपने बेबी की हर हरकत पर नज़र रखते हैं, उन क्लूज को जानने के लिए जिससे हमें बेबी की वेल बीइंग का पता चलता रहे। लेकिन कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स के साइंस ऐसे होते हैं जिन्हें डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए बेबी का बाउल मूवमेंट, स्पेशली जीवन के पहले 2 सालों में बेबी का बाउल मूवमेंट बहुत से चेंजेस शो करता है। तो टाइम टू टाइम यानी समय के साथ होने वाले इन बदलाव से जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं उन्हें जानकर हमें ये पता चलता है कि कहीं बेबी कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं है, यानी कि बच्चे को कहीं कब्ज की शिकायत तो नहीं हो रही। कॉन्स्टिपेशन के कुछ प्रमुख लक्षणों की यहाँ पे बात करें तो बेबी को हार्ड या पैलेट लाइक बाउल मूवमेंट हो सकता है। बाउल मूवमेंट के टाइम पे बेबी का रोना या स्टूल पास करने में बेबी को डिफ़िकल्टी होना, इनफ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट होना या बाउल मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी जो है वो रूटीन से कम होना बेबी में कॉन्स्टिपेशन को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप अपने बेबी में कुछ इसी तरह के लक्षण देख पा रहे हैं तो हो सकता है आपके बेबी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। स्मॉल बेबीज और इन्फेंट्स की यहाँ पे बात करें तो उनमें कॉन्स्टिपेशन उतना कॉमन नहीं होता है, लेकिन अगर आपका बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर से बात कीजिए। ये जो छोटे बेबीज़ और इन्फेंट्स होते हैं इनकी एब्डोमिनल मसल यानी पेट की जो मसल्स होती हैं वो हमारे कंपैरिजन में वीक होती हैं, तो उन्हें स्ट्रेन होता है बाउल मूवमेंट के टाइम पे। लेकिन स्टूल पास जो उन्होंने किया है अगर वो सॉफ्ट है तो आपका बेबी कम्प्लीटली नॉर्मल है, उसे कॉन्स्टिपेशन की कोई शिकायत नहीं है। बड़े बेबी जो होते हैं स्पेशली 6 मंथ्स के बाद जब बच्चा मदर मिल्क से सेमी सॉलिड सॉलिड फूड पे ट्रांसफ़र होता है तो बहुत चांसेस होते हैं बेबी में कॉन्स्टिपेशन के। कुछ अच्छे डाइटरी टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, अच्छी एक्सरसाइज टिप्स और भी बहुत से घरेलू उपचार आज हम जानेंगे बेबीज में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत को दूर करने के। तो चलिए फिर आज हम जान लेते हैं इन्फेंट्स और बेबीज़ की इस हेल्थ प्रॉब्लम को, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत, किस तरह बेबीज़ में कॉन्स्टिपेशन को हम घर बैठे दूर कर सकते हैं, किन घरेलू उपचार की मदद से बच्चों में इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है, बाउल मूवमेंट को कंफर्टेबल और ईज अप किया जा सकता है। लेट्स बिगिन, कीप वॉचिंग। सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं स्मॉल बेबीज़ में हम कॉन्स्टिपेशन को किस तरह रिलीव कर सकते हैं। मूवमेंट जो होता है, एक्सरसाइज जो होती है वो ना सिर्फ बच्चों में बल्कि हम एडल्ट्स में भी बाउल मूवमेंट को स्टिमुलेट करती है। लेकिन जो बहुत छोटे बेबीज़ होते हैं जिनमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता, वॉकिंग की एबिलिटी अभी तक उनमें डेवलप नहीं हुई है, तो उन्हें आप एज अ मदर एज अ केयर गिवर एक्सरसाइज के लिए हेल्प कर सकते हैं जो बेबी में बाउल मूवमेंट को ईज अप करेगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को रिलीव करेगा। बेबी को लाइंग पोजीशन में रख के यानी बच्चे को लिटा के आप दोनों लेग्स को होल्ड कीजिए और जेंटली आपको इस तरह का मूवमेंट प्रोड्यूस करना है जैसे साइकिल चलाते वक्त हमारे पैरों का मूवमेंट होता है। ये बच्चे में बाउल मूवमेंट को स्टिमुलेट करेगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अगली इफ़ेक्टिव हेल्पफुल होम रेमेडी जो यहाँ पर है वो है वॉर्म बाथ। बच्चे को वॉर्म वाटर से आपको नहलाना है, इससे बच्चे की एब्डोमिनल मसल जो पेट की मसल होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और स्ट्रेनिंग जो बच्चे को हो रही है बाउल मूवमेंट के टाइम पे उसे ये कम करने में मदद करता है। साथ ही कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो बच्चे को डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसे भी ईज अप करने में ये हेल्पफुल रहता है। बेबीज़ में कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए और इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ को यहाँ पर जान लेते हैं, उन्हीं में से एक है मसाज। बेबी की बहुत से तरीके से आप मसाज कर सकते हैं जो उनमें कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में हेल्पफुल रहती हैं। मसाज के तरीके यहाँ पर जान लेते हैं, अपनी फिंगर टिप्स को बेबी के पेट पे गोल गोल सर्कुलर मोशन में आप घुमा के मसाज कीजिए। फिंगर्स का वॉकिंग मोमेंट आप कर सकते हैं एक क्लॉक वाइज पैटर्न में बच्चे की नेवल यानी नाभि के चारों तरफ। बेबी के नीज को बेंड करके फीट को होल्ड करके आप जेंटली पुश कर सकते हैं बेली यानी पेट की तरफ, बहुत ही जेंटली आपको ये करना है।
इन्फेंट्स और स्मॉल बेबीज जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड लेते हैं उनके लिए मदर अपनी डाइट में चेंज करके दे सकती है। हालांकि बहुत इफेक्टिव नहीं है ये, लेकिन फिर भी मदर अपनी डाइट में चेंजेस करके ऑब्जर्व कर सकती है बेबी का बाउल मूवमेंट। इसके अलावा जो बच्चे फॉर्मूला मिल्क लेते हैं उनमें फॉर्मूला मिल्क को चेंज करके बेबी का कॉन्स्टिपेशन दूर किया जा सकता है अगर बच्चे को फॉर्मूला मिल्क के किसी इंग्रेडिएंट की वजह से कब्ज की शिकायत हो रही है। बेबी के लिए फॉर्मूला मिल्क आपको डॉक्टर की सलाह से ही चेंज करना है। अगला कारगर घरेलू उपाय जो यहाँ पर है वो है हाइड्रेशन। स्मॉल बेबीज और इन्फेंट्स जो होते हैं उनमें किसी भी तरीके का दूसरा लिक्विड सप्लीमेंट नहीं दे सकते हैं, उन्हें सिर्फ मदर मिल्क और फॉर्मूला मिल्क ही दिया जाना चाहिए। उससे उनमें हाइड्रेशन यानी पानी की आप पूर्ति अच्छे से कीजिए, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर होगी। बड़े बेबीज जो होते हैं यानी 6 मंथ्स के बाद बच्चे को आप अच्छे से हाइड्रेट कीजिए, उनको पानी के सिप्स आप दीजिए हर थोड़ी थोड़ी देर में। हाइड्रेशन की पूर्ति यहाँ पे अच्छे से होगी, बच्चे में कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगा। स्मॉल बेबीज जो होते हैं उनके लिए आप पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 4 महीने के बाद आपका पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर थोड़ी सी सिप्स ऑफ वाटर सजेस्ट कर सकता है बच्चे में हाइड्रेशन के लिए, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है बिना डॉक्टर की सलाह के। बहुत से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जो रिच सोर्स होते हैं फाइबर का, जो बच्चे को हेल्प करता है बाउल मूवमेंट ईज अप करने के लिए, बाउल मूवमेंट को स्टिमुलेट करने के लिए। बच्चे में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत को दूर करने में ये बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। जान लेते हैं वो कौन से फ्रूट वेजिटेबल और ग्रेन्स के ऑप्शन हैं जिनकी मदद से बच्चे में कॉन्स्टिपेशन को दूर किया जा सकता है। 6 मंथ से बड़े बेबीज़ की डाइट में आप एप्पल, पियर, प्लम ऐड कर सकते हैं, यानी बच्चे को सेब, नाशपाती या आप प्लम की प्यूरी दीजिए, बहुत हेल्पफुल रहता है बेबीज़ में कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। और इसके अलावा 8 महीने से जो बड़े बच्चे होते हैं उन्हें आप ब्रोकली दे सकते हैं, टोमेटो दे सकते हैं, इन दोनों की प्यूरी आपको बना के बच्चे को देनी है। बेबी को पपाया की प्यूरी दीजिए, बहुत हेल्पफुल होती है बच्चे में कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। इसके अलावा बेबी को आप पीच की प्यूरी भी दे सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में ये मददगार है। फ्रूट और वेजिटेबल के अलावा आप बच्चे को होल ग्रेन्स दीजिए, बच्चे की डाइट में होल ग्रेन फूड वैरायटी आप ऐड कीजिए कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। 6 मंथ से बड़े जो बच्चे होते हैं उनको आप ओट मील दे सकते हैं, और बड़े बच्चों की यहाँ पे बात करें तो 10 महीने से बड़े बच्चों को होल ग्रेन पास्ता आप दे सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत को ये दूर करेगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जाना हमने हेल्पफुल इफेक्टिव होम रेमेडीज़ को जो बेबी में कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में हेल्पफुल है। यहाँ पे एक और ज़रूरी बात है, ग्लिसरीन सपोजिटरीज और लैक्सेटिव जो मार्केट में अवेलेबल हैं बेबी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, उन्हें आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अगर आपका पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर बेबी के लिए रेकमेंड करे तभी आपको इनका इस्तेमाल करना है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, आपके बेबी की अच्छी हेल्थ में ये योगदान दे ऐसी मैं आशा करती हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए बेबी के लिए आने वाली ऐसी बहुत सी सही जानकारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे फिट।